हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल संजीव टॉक्स। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, क्या आप सिम कार्ड की ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी सिम कार्ड की ओनर का नाम चेंज करना चाहते हैं? तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार, यू आर वाचिंग संजीव टॉक। गाइस, क्या होता है, कोई भी पर्सन दूसरों के नाम पे सिम खरीद लेता है और उस सिम की नंबर उनके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उस सिम कार्ड की नंबर बहुत जगह में शेयर कर दिया है, इसीलिए उस नंबर को छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन अक्सर परेशान रहता है कैसे उस सिम कार्ड को दूसरों के नाम से खुद के नाम पे ट्रांसफर करें। सो गाइस, आपसे और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपको दो तरीका के बारे में बताऊंगा, जिसके मदद से आपके किसी भी सिम कार्ड को, जी हाँ गाइस, आपको किसी भी सिम कार्ड को, वो हो सकता है एयरटेल, वी, जियो, BSNL, कोई भी सिम कार्ड को आप दूसरे के नाम से खुद के नाम पे ला सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको एक एक करके दो तरीका के बारे में बता देता हूँ। लेकिन गाइस, उससे पहले आपको एक गुजारिश करना चाहूंगा, आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए गाइस, वीडियो में मेन टॉपिक की तरह चलते हैं। सो गाइस, पहला तरीका है, आपके पास जिस ऑपरेटर का सिम कार्ड है उस ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि गाइस, मान लो आपके पास जियो का सिम कार्ड है, तो आपको जियो छोड़ के एयरटेल या फिर वी में आना पड़ेगा। गाइस, वी में आने के बाद आपको मिनिमम 3 महीने रहने के बाद आप फिर से जियो में जा सकते हैं। गाइस, आप यदि इस तरीका को अपनाओगे तो आपका सिम कार्ड का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। और गाइस, दो नंबर तरीका है, आपको आपका सिम कार्ड को प्रीपेड से पोस्टपेड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। गाइस, आप इस तरीके से भी आपका सिम कार्ड का ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। और गाइस, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह ट्रस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए संजीव टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।